आसनसोल रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज किया गया। आसनसोल रेलवे स्टेशन के 13 नंबर मोड़ से लेकर नगर निगम मोड़ तक फुटपाथ से दर्जनों दुकानों को तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की अशांति ना हो, इसके लिए भारी संख्या में आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई थी। दुकानें हटाए जाने से अब दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आसनसोल में रेल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम मोड़ से लेकर 13 नंबर नजरूल मोड़ तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान दर्जनों अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की अशांति ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई थी। रेलवे के अधिकारी आरपीएफ जवानों के साथ जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे तो दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया। दुकानदार आनन फानन में अपनी अस्थायी दुकानों के सामानों को समेटने लगे। वहीं दूसरी तरफ दुकानों को हटाए जाने से दुकानदारों में भारी आक्रोश देखा गया। दुकानदारों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। दुकानदारों का कहना है कि वे काफी समय से यहां अपनी दुकानें लगाकर जीविका चला रहे थे, लेकिन रेल प्रशासन द्वारा अचानक दुकानों को उच्छेद कर देने से अब वे कहां जाएंगे। देखने वाला है, कोई गरीब को झांकने वाला नहीं है। खाली बोलता है वोट दो, हम तुम्हारा साथ है। आज हमारा घर टूट रहा, कोई मेरा नेता साथ नहीं है। आज हमारा बाल बच्चा भूखा रहेगा तो कोई नेता पहुंचा देगा दो रोटी? कोई नहीं पहुंचाएगा, कोई देखने नहीं जाएगा हम लोग को, कोई दुकानदार को नहीं जाएगा, कोई किसी को नहीं देखने जाएगा। हम लोग क्या करें ना करें, अब डीए राम का भी कुछ दया करें, डीए राम भी कुछ सोच समझ के गरीब आदमी को जीने का रास्ता दे, बस मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा डीए राम से। इससे पहले रेल प्रशासन द्वारा आसनसोल रेलवे स्टेशन के तरफ जाने वाले रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। रेलवे के तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि रेलवे की जमीन को हर हाल में अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। गौरतलब है कि आसनसोल रेल डिवीजन द्वारा रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले रेल प्रशासन द्वारा रेल पार के कसाई मोहल्ला और चांदमारी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी की गई है। रेल प्रशासन के इस फरमान से सैकड़ों दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी की चिंता खड़ी हो गई है और दुकानदार अब खुलकर आंदोलन पर उतर आए हैं। दुकानदारों के इस आंदोलन का तृणमूल कांग्रेस भी खुलकर समर्थन कर रही है। अभी हटा के आ गए तोड़ दिया हम लोग। कच्चा माल है पूरा, 20,000 का माल रखा हुआ है कच्चा, मौसमी है। दुकान अभी नहीं उठा दिया है, अब हम लोग क्या करें, भूखा मरेंगे। 12 आदमी घर में खाने वाला है, रोजी रोटी मेरा ये चलता है इसी तरह। अब रेल सरकार हमको लोगों को कुछ व्यवस्था कर दे। नहीं नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया नहीं, कुछ बोला भी नहीं, अनाउंस भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। एम हटा के आगे तोड़ दिया, पूरा सामान पूरा बर्बाद हो गया हम लोग का। हम लोग 80 साल से हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन, घर हो या ऑफिस। अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम, नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है NSB रोड रानीगंज, अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।